प्यारे बच्चों, आज हमने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 शुरू किया है। नाइट में मैंने लिखा था कि ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, तो कुछ लोगों के मैसेज आए कि भाई हिंदी में बताया जाए, तो मैं पूरी बात आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताने जा रहा हूँ। सेकंड जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, तो एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करूँगा एक कहानी के रूप में, ठीक है। इंडिया वॉज कंटिन्यूसली अटैक्ड बाई फॉरेन इन्वेडर्स। फॉरेन का मतलब विदेशी, इन्वेडर्स का मतलब है आक्रमणकारी, यानी भारत पर लगातार अटैक आक्रमण हुए विदेशी आक्रमणकों के द्वारा, बार बार लगातार। द इंडियंस, भारतीय ब्रेवली, बहादुरी से अपोज्ड, विरोध किया, एंड स्ट्रग्ड, स्ट्रगल का मतलब होता संघर्ष करना, स्ट्रगल्ड संघर्ष किया अगेंस्ट दीज इन्वेजन्स, यानी इन्वेजन मतलब आक्रमण, जो आक्रमण हुआ था, ये जितने आक्रमण थे भारतीयों ने बहादुरी से इनका अपोज भी किया और स्ट्रगल भी किया। इंडियंस डिफिटेड, डिफिटेड का मतलब है हराया। द इनिशियल यानी शुरुआत में, स्टार्ट में अरेबियन अरबों को एंड मुस्लिम इन्वेडर्स, यानी जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे अरब के लोग स्पेशल, उनको स्टार्ट में हराया। एंड आउस्टिट का मतलब है खदेड़ दिया, यानी बाहर निकाल दिया देम, उनको आउट ऑफ द कंट्री, देश से बाहर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ उमर खलीफा इन 636 AD, यानी 636 में जब उमर खलीफा क्या थे, उमर थे खलीफा, द फर्स्ट यानी पहला नेवल यानी समुद्री सेना से इन्वेजन यानी आक्रमण हुआ ऑफ द अरेबियन अरबों का, टुक प्लेस यानी हुआ एट थाने, यानी थाने नाम की जगह अटैक हुआ था, पहला था वो, और वो समुद्री मार्ग से हुआ था। इट इज मेंशनड यानी ये बात लिखी गई है इन द बुक, एक बुक में जिसका नेम है फुतुह अल बुल्दान, ठीक है। दैट क्या लिखा हुआ है, दिस इन्वेजन यानी ये आक्रमण ऑफ द अरेबियन अरबों का वाज अनसक्सेसफुल, यानी वो लोग कामयाब नहीं हुए थे। आफ्टर दिस, इसके बाद द अरेबियंस इन्वेडिड मतलब आक्रमण किया बड़वास, जो कहाँ पर है, भड़ोच में, एंड देवाल जो पोर्ट है सिंध, पोर्ट यानी बंदरगाह। इट इज रिटन, ये लिखा गया है दैट इन द स्ट्रगल, ये संघर्ष फॉर देवाल इन चचनामा, कहाँ लिखा हुआ है, चचनामा। देखिए एक बुक आ रही है फुतुह अल बुल्दान और दूसरी बुक का नाम क्या है, चचनामा, इसमें लिखा हुआ है अरेबियन आर्मी कमांडर मुदहीरा, जो मुदहीरा था वाज डिफिटेटेड एंड किल, यानी उसको हरा भी दिया गया और मार दी भी गया, इसका मतलब ये भी अनसक्सेस हुआ। तो दो बार अटैक हुआ और दोनों ही बार जो अरब के लोग थे वो अनसक्सेस यानी फेल हो गए। इन 712 यानी 712 ईस्वी में ए बैटल टुक प्लेस, यानी ए बैटल यानी युद्ध बिटवीन हुआ मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर, दाहिर कौन था, द किंग ऑफ सिंध, यानी सिंध का राजा था दाहिर। युद्ध होता है मोहम्मद बिन कासिम के बीच में, कब होता है, 712 में। बाबा धूरी हैज रिटर्न, लिखते हैं दैट इट वॉज ए फियर्स बैटल, फियर्स मतलब भयंकर, खतरनाक जिसे कहें, ड्रावना। तो युद्ध चल रहा था और मुस्लिम जो आक्रमण कर रहे थे उनको अच्छी तरह से घेर भी लिया था, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना घटी जिससे युद्ध हार गया कौन, सिंध का जो राजा था। ए एरो यानी जो तीर होता है वो स्टक लग गया यानी घुस गया दाहिर चेस्ट, दाहिर की छाती में। हु वाज राइडिंग, जो सवारी कर रहा था किसके ऊपर, एन एलिफेंट हाथी के ऊपर। एंड किंग डाइज, और राजा मर गया कौन, याद रखे कौन सा राजा मरा था, दाहिर। हालांकि ये युद्ध जो जीत रहे थे और मोहम्मद बिन कासिम जो हार रहा था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ जो राजा है उसकी छाती में तीर घुस गया, इससे क्या हुआ, वो मर गया। इवन आफ्टर दिस यानी इतना होने के बाद भी वॉरियर्स यानी जो लड़ाई करने वाले योद्धा थे, लाइक जिसमें दो नाम मुख्य आते हैं, राजकुमार जैसिया एंड एम्प्रेस यानी महारानी जिसे राजकुमारी रानी बाई, स्टूड
डटे रहें फैमिली यानी दृढ़तापूर्वक टू प्रोटेक्ट बचाने के लिए द फोर्ट यानी किले को बचाने के लिए ये दोनों व्यक्ति जो है एक था राजकुमार और एक थी रानी बाई। महमूद गजनवी हैड टू फाइट फियर्सली अगेंस्ट द रॉयल। उसके बाद में किसका नंबर था महमूद गजनवी जिसको लड़ाई करनी पड़ी थी किसे रॉयल रूलर्स कश्मीर के जो रूलर्स थे कौन कौन से थे जयपाल और आनंदपाल इनसे लड़ाई करनी पड़ी एंड मोहम्मद गोरी। उसके बाद देखो नंबर है मोहम्मद गोरी वाज डिफिटेटेड यानी हरा दिया गया सेवरल टाइम बहुत बार बाय द पृथ्वीराज चौहान। ये भी युद्ध हुआ था 1191 एंड 92 में तराइन का फर्स्ट युद्ध से कहते हैं। यहाँ पे पहले मोहम्मद गोरी जो है वो हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो जीत जाता है लेकिन उसके एक साल बाद में वापस युद्ध होता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। बट ड्यू टू सम सिचुएशन यानी ऐसी कुछ सिचुएशंस हुई मुस्लिम यानी मुस्लिम का जो शासन है स्टार्टेड शुरू हो गया इन इंडिया इंडिया में बाई 1206 यानी 1206 तक उसके बाद में शासन। तो पहले राजा कौन थे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है 1206 से लेकर 1526। तो पहले कौन बनते हैं जिनका है यामिनी या फिर इन्हें कह सकते हैं इलबरी या कह सकते हैं गुलाम डायनेस्टी यानी गुलाम वंश यहाँ से स्टार्ट होता है। और पहला राजा कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक ये हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक आल्सो नॉन एज लाख बक्स इसे लाख बक्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसने राजा बनते ही कैपिटल किसको बनाया राजधानी किसको बनाया लाहौर को। एक व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति है हसन निजामी वाज सेल्टर्ड सेल्टर में शरण दे देना किसको हसन निजामी को इन हीज कोर्ट अपनी अदालत अपनी कोर्ट में। ऐबक बिल्ट ऐबक ने बनाया क्या बनाया द फर्स्ट फ्लोर इन पहली छत ऑफ किसकी कुतुब मीनार की यानी इसकी जो नींव और पहली जो छत थी ये कुतुबुद्दीन ने बनाई। इन द मेमोरी किसकी याद में बनाई थी ऑफ द फेमस जो बहुत फेमस थे सूफी सेंट यानी सेंट इंग्लिश में कहते हैं हिंदी में संत सूफी संत थे नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी याद में कुतुब मीनार की जो नींव रखी और फर्स्ट फ्लोर भी बनाई। उसके बाद में जो बाकी भी बची हुई है वो बनाई थी इल्तुतमिश ने। ऐबक डाइज यानी मर गया कैसे मरा इन 1210 में कैसे मरा आफ्टर फॉलिंग डाउन गिरकर किससे गिरा था फ्रॉम ए हॉर्स एक घोड़े से गिरा वाइल प्लेइंग खेलते हुए चौगान खेलते हुए चौगान मतलब जो आज का पोलो है उसे। तो ये आपका लेसन यहाँ पर यामिनी इलबरी और गुलामंस अगला जो टॉपिक है आगे पढ़ रहे हैं। तो देखा आपने कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मर जाता है घोड़े से गिरकर। उसके बाद में जो राजा कौन बनता है वो देखिए इल्तुतमिश जो बना राजा 1210 से और 1236 तक 26 साल इसने राज्य किया था। तो राज किया था इसने ये कौन था वैसे सन इन लॉ यानी इसका दामाद था किसका कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसी को रियल में ही रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ मुस्लिम एम्पायर यानी रियल में ही जो मुस्लिम राज को स्थापित किया इसी ने किया था क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम काफ़ी कम था यानी उन्हें 4 साल था। लेकिन इसके बाद में जो इसने किया और विजय प्राप्त की थी कौन कौन सी की देखें ही यानी इल्तुतमिश ने कनकर्ड यानी जीता किसको जीता था रणथंभौर को कब 1226 यानी 1226 ईस्वी में इसने रणथंभौर को जीत लिया था। और 1223 में इसने मालवा पर अटैक करके जो भीला नाम का जो दुर्ग था उसको भी अपने कब्जे में कर लिया था। और इसने ऑक्यूपाइड का मतलब कब्जे में कर लेना है किसको किया था ग्वालियर एंड जालौर। तो देखिए कि इल्तुतमिश ने कौन कौन से राज्य या कौन कौन सी जगह किया था। देखिए पहला है रणथंभौर उसके बाद में मालवा पर अटैक करता है और दुर्ग पे ऑक्यूपाई कर लेता है जो है आपका भीला उसके बाद में ग्वालियर और जालौर। यहाँ आगे बढ़ते हैं और ये जो इल्तुतमिश थोड़ा होशियार भी था इसकी पॉलिसी बड़ी अच्छी थी। एक तो इसने क्या किया था कि जो मंगोल शासक था चंगेज खां उससे दुश्मनी नहीं लेना चाहता इसलिए इसने मंग बरने की हेल्प नहीं की थी। आगे देखिए नाम आता रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी
पुत्री थी और इसने इसको सक्सेसर उत्तराधिकारी घोषित की। राजा अपने जब वो उसके अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर, जो हमेशा ज़्यादातर मोस्टली बड़ा बेटा ज्येष्ठ पुत्र जिसे कहा जाता है वो होता है, लेकिन इसने क्या किया अपनी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो जैसे ही इल्तुतमिश की मौत, उसके बाद में राजा यानी रानी बन गई थी रजिया सुल्तान, हालांकि इसने अपने नाम जो सुल्तान ही रखा था। और क्या कहते देखिए, राजा जब ये रानी बन गई तो हुआ कि जो तुर्किश जो एरिस्टोक्रेट्स थे यानी जो अमीर लोग थे, अमीर कौन से लोग थे जो दरबार के अंदर बैठते थे, जो परंपरा को मतलब चलाते थे, कट्टर होते थे धर्म के प्रति, जब ऐसा हुआ तो ये लोग क्या हुए, नाराज हो गए, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा कि एक जो लेडी एक औरत है वो राजा बने। तो इसका मतलब क्या होगा, इनसे दुश्मनी होगी, किसकी, रजिया सुल्तान की। और इसने फिर क्या किया, रजिया सुल्तान ने एक और काम कर दिया था कि एक व्यक्ति था अबिसिनिया का, कौन से देश का, अबिसिनिया देश का, उसको क्या कर दिया, मलिक जमालुद्दीन नाम था उसका, मलिक जमालुद्दीन याकूत पूरा नाम ये था, उसको क्या बना दिया, एज क्या बना दिया, आमिर आखुर। आमिर आखुर का मतलब होता है जो रॉयल स्टेबल था, यानी जो अश्वशाला थी, यानी घोड़े जहाँ रहते थे वहाँ जो सैनिक को के काम आते थे उन घोड़ों का से प्रमुख बना दिया, मेन बना दिया। इससे क्या हुआ कि ये जो लोग थे कौन से, ये आमिर लोग, ये और नाराज हो गए, पहले नाराज थे क्योंकि औरत राजा बन चुकी थी, और दूसरा ये कर दिया कि दूसरे देश के व्यक्ति, ये तो कहाँ के थे, तुर्क नाम का देश है वहाँ के थे, लेकिन अबिसिनिया व्यक्ति को बना दिया था। अब इसने क्या किया, जब ये ऐसा हुआ तो कुछ दिनों बाद में ही एक विद्रोह दबाया जा रहा था याकूत के द्वारा, लेकिन याकूत उसमें मारा जाता है। जब याकूत मर जाता है तो अल्तुनिया से शादी कर लेती है, कौन, रजिया सुल्तान, लेकिन कुछ दिनों बाद में दोनों को मार दिया जाता है। अब देखिए बलबन, ये आपकी गुलाम डायनेस्टी है उसका सबसे प्रमुख राजा रहा है। जो बलबन की जो नीति बड़ी स्पेशल थी, एक तो सबसे बड़ा काम था इसमें, ये कमी थी उसमें, कि ये मानता था कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है जमीन के ऊपर। तो देखिए इसका नाम क्या था, उलुक, जो क्या था, फेमस बंद ऑफ 40, यानी जो 40 लोगों का दल हुआ करता था इल्तुतमिश का, उसका मुख्य आदमी था। देखिए इल्तुतमिश का जो मुख्य आदमी थे, जो दास लोग थे उनका प्रमुख आदमी था, फेमस आदमी था, जिसे क्या बोला गया था, चहलगानी, चहलगानी कहा जाता था, ग्रुप ऑफ द तुर्किश स्लेव्स, यानी तुर्क के जो स्लेव्स यानी गुलाम थे उनका दल हुआ करता था, जो किसका था, इल्तुतमिश का। अब जैसे मैंने बताया कि इसकी नीति क्या थी, ये सोचता था कि भाई जो राजा है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है जमीन के ऊपर, तो कुछ नीतियाँ इसकी अजीब थी। तो ये इसने एक सिस्टम ही चालू किया था, वो कौन सा था कि प्रैक्टिस स्टार्ट की थी कि जब भी लोग दरबार में आएंगे उसके तो उसको सिजदा करेंगे, यानी झुकेंगे, और उसके जो पैर है उसको किस किया जाएगा, यानी चुमा जाएगा, ये इसकी नीति थी, क्योंकि वो मानता था कि राजा ही ईश्वर है। तो देखिए कौन सी, रेस्ट्रिक्टेड द मिलिट्री डिपार्टमेंट, यानी इसने जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया था, क्यों बनाया था, मंगोलों से बचने के लिए। और इसके लिए जो सेना बनाई थी उसको नया नाम दिया दीवाने आरिस, दीवाने आरिस, क्यों बनाया था, मंगोलों से बचने के लिए, या मंगोलों के आक्रमण से अपने आप को बचाव के लिए। स्टार्टेड किया था प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस स्टार्ट की थी जिसका नाम था सिजदा एंड पेबास। पेबास का मतलब है कि जिससे मैंने बताया आपको कि जब भी राजा के पास व्यक्ति आएगा तो पहले झुकेगा, फिर उसकी कदमियों को किस करेगा, यानी चूमेगा। एडोप्टेड द पॉलिसी, और इसने एक बहुत ही खतरनाक पॉलिसी अपनाई थी जिसका नाम था आयरन एंड ब्लड एंड लोह रक्त की नीति। क्या करते थे कि जहाँ भी अटैक करते तो वहाँ जो पुरुष होते थे उन सबको मार दिया जाता था, और बच्चे और औरतों को गुलाम बना लिया जाता था। इस नीति का नाम होता आयरन एंड ब्लड एंड लोह रक्त की। उसके बाद हिज मेजर फंक्शन, यानी इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, कौन कौन से थे, जिसमें कीपिंग लॉ एंड अंडर कंट्रोल, जो कानून है पूरा अपने पास से रखा, एंड एलिमिनेशन ऑफ थीव्स, यानी जो चोर थे लुटेरे थे उनका वहाँ से राज्य से निकाल देना, रॉबर्स लुटेरों को, एंड क्रशिंग और दबा देना एंटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो राजा के खिलाफ चलता उसको दबाना, रिवोल्ट्स विद्रोह को ऑफ राजपूत लैंडलॉर्ड, जो राजपूत जो राजा थे यानी जमींदार थे उनके विद्रोह को दबाने के लिए इसने नीति अपनाई थी। इसीलिए बलबन को मुख्य कहा जाता है, कौन में, गुलाम डायनेस्टी में। तो यह आपका गुलाम डायनेस्टी का जो टॉपिक था, जिसमें मुख्य देखे चार लोगों का नाम आता है, पहले है कुतुबुद्दीन, उसके बाद में इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर लास्ट में है बलबन। हालांकि बाद में भी कई राजा हुए थे छोटे मोटे, लेकिन उनका कोई इतना खास रोल नहीं था। ओके, थैंक यू।